हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 29 सितंबर 2020 अधिक मास मंगल प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त। प्रदोष काल में जरूर करेंगे एक काम। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस बार यह व्रत अधिक मास में आने के कारण अधिक प्रदोष व्रत होगा। साथ ही मंगलवार के दिन पड़ने के कारण यह भौम प्रदोष कहलाएगा। मान्यता है कि अधिक मास में इस व्रत का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने से मनोकामना पूर्ति होती है। आज हम आपको साल 2020 अश्विन माह शुक्ल प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महाउपाय के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भूम प्रदोष तिथि शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में अधिक मास या सितंबर मास का प्रदोष व्रत 29 सितंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यह भूम प्रदोष व्रत होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर सायंकाल 8:58 पर, वहीं त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर रात्रि 10:33 पर। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 6:09 से 8:34 तक। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 25 मिनट की होगी। भूम प्रदोष पूजा विधि। त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा स्थल की सफाई कर एक चौकी पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। साथ में हनुमान जी की प्रतिमा भी रखें। अव्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्हें सभी पूजन सामग्री जैसे बेलपत्र, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन, फल, पान सुपारी अर्पण करें और भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और अंत में प्रदोष व्रत कथा, आरती व चालीसा का पाठ कर सभी में प्रसाद वितरण करें। फिर अगले दिन चतुर्दशी तिथि को सुबह पारण कर व्रत पूर्ण करें। मंगल प्रदोष के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। इससे भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। भूम प्रदोष व्रत उपाय। शास्त्रों के अनुसार जब मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि पड़ती है तो यह मंगल प्रदोष या भूम प्रदोष व्रत होता है, क्योंकि मंगल ग्रह का एक नाम भूम भी है। कहा जाता है कि यह व्रत हर तरह के कर्ज और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला होता है। तो आइए जानते हैं भूम प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय क्या है। मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाकर उनकी प्रतिमा पर फूलों का हार अर्पित करें। इससे आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास में मंगल प्रदोष के शुभ योग में हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और उनके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को हर तरह के कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। भूम प्रदोष के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से मंगल ग्रह के कारण मिलने वाले अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है। मंगल प्रदोष पर शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ जल्द ही आर्थिक संकटों से छुटकारा दिलाने वाला होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।